الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم. جنون بس جنون ہے ہر طرف کھیل کا سجا ہے چار سو سما خوشی کی ریل میل کا جو جوش ہے ہماری پہچان ہے جو ڈر سے جیت کے جیے ہماری ایسی شان ہے دلوں کے ہم ہیں بادشاہ اب ایک سلام اس ملک کے نام جس سے ہم ہیں جو ہے ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان 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 کراچی کنگز کی آج اس لانچنگ کانسرٹ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہم رینجرز کا جنہوں نے ان حالات میں کراچی میں ہمیں اتنی سیکیورٹی اتنا بہترین قسم کا انتظام دیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہوا. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے کراچی رینجرز کے لیے. کراچی کے لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. کراچی کنگز کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا کچھ ان کے دل میں ہے. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا سلمان اقبال صاحب کو جنہوں نے کراچی کنگز کو اپنایا, کراچی کو اپنایا اور آج کراچی میں روشنیاں دوبارہ واپس لے کر آئے اور کراچی کی وہ ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے. ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے, بھرپور تالیاں اپنی ٹیم کے لیے. میرے بڑے پیارے دوست ہیں سلمان بھائی اور آج انہوں نے یہ روشنیاں دوبارہ کراچی کو بخشی ہیں. لوگ کہتے تھے کراچی میں ایسا کچھ ہو نہیں سکتا اور آج آپ سب لوگوں نے ثبوت دیا ہے کہ کراچی واقعی روشنیوں کا شہر ہے اور روشنیاں دوبارہ واپس آ چکی ہیں کراچی میں.
इन्हीं रोशनियों का एक कंप्लीट पैकेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कराची वालों के दिल की आवाज है। आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कराची वाले आपसे। मैं हूं कराची, मुझे रोशनियों का शहर कहते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में भी मुझ पर उजाले ही जचते हैं। जब कभी पाकिस्तान का नाम आता है तो मुझे इस मुल्क की पहचान कहा जाता है। मैंने अपने सीने पर नेशनल स्टेडियम जैसे मैदानों को सजाया है, जहां हुए हैं बड़े बड़े मार्के, और ये मैं हूं शहरों का बादशाह, और मेरी टीम बनेगी इस खेल की शहनशाह। तराना सुनेंगे बहुत सारी तालियों में, द वन एंड ओनली अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम कराची, कराची शहर यहां से बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आज आप खूबसूरत लोगों का चेहरा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जाग गया है, और ऐसी आवाज आनी चाहिए कि कराची की धाड़ पूरा पाकिस्तान सुने। जुनून बस जुनून है हर तरफ खेल का, सजा है चार सू साम शीघ्र रेल मेल का, ये खून में जो जोश है हमारी पहचान, जो डर से जीत के जिए हमारी ऐसी शान है। खुशी किसी में सी हिम्मत का,
जिनकी वजह से ये सब कुछ आज पॉसिबल हो सका। सीईओ प्रेसिडेंट एआरवाई डिजिटल नेटवर्क द वन एंड ओनली सलमान इकबाल साहब। करके कुछ दिखाना ही हमारी पहचान है, ये बच्चों का शहर है, हमारी इसमें जान है, दिलों के हम है बादशाह। इनका इस्तकबाल मैं चाहता हूं सब खड़े होके करेंगे कि आज कराची में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। द वन एंड ओनली सलमान भाई। कराची जीतेगा, कराची जीतेगा, कराची जीतेगा। कराची वालों जिंदाबाद। आप लोग ने हमारा इस मुल्क का इस शहर का दिल जीत लिया है। इस टीम को आपके हवाले, ये टीम ना मेरी है ना एआरवाई की है, ये टीम अब कराची वालों की है। क्या बात है। हमारे पास एक कप्तान है शोएब मलिक, मगर मैं कहता हूं आप सब के सब पाकिस्तान कराची किंग के कप्तान हैं। मेरे साथ, क्योंकि ये लाइव जा रहा है 120 मुल्कों के अंदर, मुझे आज किसी ने कहा कि आईपीएल बीपीएल बिग बैश में लीग्स की लॉन्च इतनी बड़ी नहीं होती, आज कराची वालों ने एक टीम की लॉन्च इतनी बड़ी की है। मैं कराची वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं अपनी टीम का, और मैं गवर्नर सिंध हमारे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, रेंजर्स के सारे भाई, पुलिस के सारे भाई, हमारे सारी सिक्योरिटी के इंतजाम, डीजी रेंजर्स, हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, एडिशनल आईजी, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया, मेरे पूरा खानदान, सबका नाम मैं अगर याद आएगा मैं लूंगा, मगर मैं सबका फहद मुस्तफा। अब एक दफा टेलीविजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम कहेंगे कराची, और सबका सब पूरा का पूरा स्टेडियम एक साथ कहेगा कराची 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 कराची। सारे खड़े होंगे कराची कराची कराची। दिखा दीजिए सारी दुनिया को कि कराची वाकई रोशनियों का शहर है। पाकिस्तान पाकिस्तान कराची। शुरुआत करते हैं थोड़ी सी सलमान भाई से बातचीत का। सलमान भाई, कभी हमारे साथ तो क्रिकेट आप खेलते नहीं थे, हम आपको बुला बुला के थक गए, अचानक से टीम ही खरीद लिया आपने यार, मतलब कि ये क्या, इतना शौक आपके अंदर कैसे जागा? ये इस शहर ने ये शौक डाल दिया, इस शहर ने ये शौक दिया, शहर की मोहब्बत ने इस शौक को, वाकई मैं तो खुशी से हमारे समझ नहीं आ रही बिल्कुल कि ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम में। कराची की रौनक वापस आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हेड्स
एंड कंप्लीट जितना भी क्रेडिट जाता है ये इस आवाम को जाता है जो 4 बजे से इतनी पेशेंटली बैठी हुई है। तकरीबन 25,000 से लोग, फैमिलीज लोग आए हुए हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, अब बारी है हमारी टीम का आहिस्ता आहिस्ता से इस्तकबाल करने की, हमारी कराची किंग्स के कोच का इस्तकबाल हम करेंगे भरपूर तालियों में, द लेजेंडरी मुश्ताक अहमद साहब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और हमारी टीम का कप्तान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर द वर्ल्ड, कप्तान शोएब मलिक। शोएब मलिक कराची किंग्स के कप्तान, द बेस्ट ऑलराउंडर। कराची का जीत का जश्न मनाने के, क्योंकि हम हैं कराची किंग, जिलों के बादशाह। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे आप मुश्ताक भाई? कैसे मिजाज, खैरियत से? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई, क्या प्लान्स है? क्योंकि कराची वाले इतने एक्साइटेड हैं, इतना जोश, इतना जज्बा, ये चाहते हैं कि हम जो है ये ट्रॉफी यहाँ पर लेकर आए और एक बार फिर सेलिब्रेट करें, क्या चांसेस हैं सर हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इन लोगों के साथ हमारा जोड़ डाला। क्या ये ऐसे लोग हैं कि आज इनको देख के ऐसा लग रहा है कि आज कोचिंग छोड़ के मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है, यकीन करें, जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे पूरी टीम, तो मैं अब एज ए कोच हूँ, मैं क्रिकेट छोड़ दी है, मगर यकीन करें आपकी मोहब्बत और आपका पैशन, जज्बा देख के दिल करता था कि आप क्रिकेट कराची किंग्स की कोचिंग छोड़ के अब दोबारा से स्पिन बॉलिंग करना शुरू कर दूं। थैंक यू कराची, वेल डन। शोएब मलिक, शोएब 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 शोएब, एक्साइटमेंट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सलमान भाई ने, कराची ने आपको चुना है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, मैं 10 साल रहा हूँ कराची में और 20 साल कहीं और रहा हूँ, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जो 20 साल में कहीं और रहा हूँ वो भी कराची में ही रहा हूँ। क्या बात, जबरदस्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सी भी हो, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कराची का नाम रोशन करूँ। क्या बात। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह आई एम गोना गिव माय बेस्ट, और जो हमारी टीम है वो भी पूरा जोश के साथ खेलेगी, और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो कराची को मिलेंगे। इसी पॉजिटिव बात पे आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम मेंबर्स को यहां पर बुलाते हैं। मैं चाहूंगा बहुत भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए एक एक टीम मेंबर का। सबसे पहले बहुत सारी तालियां बिलावल भट्टी के लिए, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, अम्माद वसीम, मीर हमजा, नोमान अनवर, सैफुल्ला बंगश, सोहेल खान, उसामा मीर, सोहेल तनवीर और मोहम्मद आमिर। कराची की टीम और हमारे सारे मेंबर्स, सोहेल भी यहां पर मौजूद हैं,
सुहेल तनवीर भी यहाँ पर मौजूद हैं और मोहम्मद आमिर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं मोहम्मद आमिर के लिए तालियां। आमिर 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 कराची की टीम कराची के लिए खुशियां डेफिनेटली लेकर आएगी, लेकिन एक कराची की रोशनी वापस आ गई है। फोन की लाइटें खोल दें और फोन ऊपर होने चाहिए। बाकी हमारी टीम रह गई उसको बुलाऊंगा, हमारे फिजियो एवरीबॉडी मोहम्मद असद, ट्रेनर यासर मलिक, आइए सलमान भाई हम लाइव शो में सेल्फी भी लेते हैं, मोहम्मद आसिम कराची। अच्छा जी, एक वादा जो कि आज मैं आप लोगों से लाइव कर रहा हूं यहां पर जी तो पाकिस्तान में, वो ये है कि ये रोशनियां ऐसे ही बरकरार रहेंगी। ये रोशनी का शहर के अंदर वापस रोशनी आ गई है। सब मैं हूं कराची, क्या आप हैं? अरे वाह, कम ऑन पीपल। अच्छा जी, वही हाँ, एक वादा जो कि मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मुझे कोई करने नहीं दे रहा वो वादा, करने दो यार वादा, करने वादा कर लूं भाई, पक्की बात है, हाथ सारे उठा के बोलो वादा कर ले। चलो भाई वादा करते हैं कि ये पीएसएल की ट्रॉफी हम कराची में वापस लेकर ही आएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद विक्ट्री लैब्स के लिए दोबारा नेशनल स्टेडियम में यहीं पर ये रोशनियां सजाएंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आपकी टीम आपके करीब आए और आप उनका इस्तकबाल करें। एक बार शोएब और सलमान भाई और मुश्ताक भाई आपकी कयादत में हम जाएंगे, इस पूरे ग्राउंड को लैप लेंगे, बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करेंगे। आइए आ जाए, और अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। हमारे गवर्नर सिंह की तरफ से भी एक सरप्राइज है कराची वालों के लिए, वो हम जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। चले जी उतरे, चले जी
रवि सलमान भाई लीड करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजी रेंजर्स से और ब्रिगेडियर खालिद से और कर्नल इमरानी से कि वो भी हमारे साथ, गवर्नर सिंह साहब से। आइए बॉयज, कम ऑन। वसीम भाई आप भी आए, वसीम अख्तर की टीम का। कराची शोएब मलिक आपके कप्तान, ये खुशियां वापस लेकर आएंगे, ये ट्रॉफी यही पर आएगी। अपनी तालियों से बताएंगे आप लोग क्या आप चाहते हैं कि ये ट्रॉफी वापस कराची आए, तो फिर खड़े होकर तालियां बजाओ। कौन कौन है यहां कराची? मैं हूं कराची। हाथ ऊपर
कराची कराची। आमिर 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 कुछ बोलो कराची के लोगों के लिए। सबसे पहले सबको सलाम। कैसे आप लोग? आमिर पूछ रहे कैसे आप लोग? सब खुश है ना? और कराची टीम के लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही कर रहे हैं ना? कराची 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 जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। कराची और चाचा क्रिकेट के लिए भी तालियां बजा दे यार। आप लोग सब एंजॉय करें। हम लोग कराची की रोशनियों को यहाँ से लाइव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक में जा रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, जीतो कराची। जा रहा हूं द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान निशान इम्तियाज। बहुत सारी तालियों में उनका इस्तकबाल करेंगे। सर प्लीज। बिग सपोर्टर ऑफ कराची किंग्स डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब। कराची की मोहब्बत में इन रोशनियों को चार चांद लगाने के लिए तालियां होनी चाहिए उनके लिए बहुत सारी। सर कैसे आज खैरियत से ठीक ठाक? बहुत अल्लाह क्या करूं सर। बहुत बहुत वार्म वेलकम कराची ने आज अपने गवर्नर को दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत खुश। बहुत खुश है सर। सर रोशनियां एक बार फिर से कराची में वापस आ गई है माशाल्लाह। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑफ कोर्स। सलमान भाई क्या कहना चाहेंगे? सलमान भाई के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। जी मैं सबसे पहले तो कराची वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर सलमान को, ARY की पूरी टीम को और PSL जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, PCB को, और जो इंतज़ाम हुए हैं उसके हवाले से रेंजर्स DG रेंजर्स एडिशनल IG भी तशरीफ़ रखते हैं, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं,
होम मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। सुहेल सयाल साहब, वजीर दाखला सुहेल अनवर सयाल साहब को बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करेंगे। ये पूरा एक टीम वर्क है, कमिश्नर कराची, पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है माशाल्लाह से सबने मिल के, और सबसे ज़्यादा जो कराची के अवाम हैं उन्होंने इस ओकेजन को कामयाब बनाया है, तो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक कराची के अवाम। सर, सारी दुनिया ऐसा समझती है कि कराची में अब इवेंट्स नहीं हो सकते और नेशनल स्टेडियम दोबारा कभी जो इसकी रौनकें बहाल नहीं हो सकती। आज हम सब ने, आप सब ने ये करके दिखाया है, तो दुनिया जो देख रही है 120 ममालिक में आज चल रहा है, उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जी बिल्कुल, हम मैंने तो पहले भी कहा कि इंशाल्लाह हम यहाँ इवेंट्स कराएंगे और इंटरनेशनल मैचेस कराएंगे। इस सिलसिले में पीसीबी से भी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे अंदर कैपेसिटी मौजूद है जी कि हम मैनेज कर सकते हैं कोई भी इवेंट हो। बिल्कुल सर, मैं जिनको सहरा जाता है एक बार फिर उनको यहाँ पर दावत देना चाहूँगा। एक बार फिर बहुत सारी तालियों में सीईओ एआरवाई डिजिटल सलमान इकबाल साहब के लिए भरपूर इस्तकबाल उनका होना चाहिए। सलमान भाई, एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। ये कर दिखाया है आज आपने जो कुछ, अभी आपने एक विक्ट्री लैप भी कह सकते हैं हम इसको, ऑलमोस्ट विक्ट्री है ये हमारी क्योंकि हमने रोशनियां यहाँ बहाल की हैं। तो कैसा महसूस किया अभी गवर्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इनका शुक्रिया जितना अदा कर सकूँ, मोहम्मद साहब का, गवर्नर साहब का, एडिशनल आई जी का, डी जी रेंजर्स का, जनरल बिलाल साहब का, पूरी इंतज़ामिया का, नेशनल स्टेडियम का, पी सी बी का, आवाम का, कि मतलब वो इन्होंने जो सपोर्ट किया है ना इस टीम को और इस शहर को, अनबिलीवेबल, हैट्स ऑफ। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, लेकिन क्या आप उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे सर, या सरप्राइज़ की तरफ बढ़े? बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेके, लेकिन मैं चाहता हूँ तब तक हम उसके बारे में बिल्कुल बयान ना करें। क्या कहना चाहेंगे सर आप उससे पहले? बस जी, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरी कराची की आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को, और एक मरतबा फिर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा सिंध गवर्नमेंट को भी। कायम अली शाह साहब तशरीफ़ नहीं ला सके कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए जी, और तमाम इंतज़ामिया को, और आप सबको, और ख़ासकर हमारे दोस्त सलमान भाई को। सर तो मौका भी है, दस्तूर भी है, मेरे ख्याल से सरप्राइज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या आप सरप्राइज़ देखना चाहते हैं कराची एक खुल के बताओ? तो चल चलते हैं, बहुत सारी। जी सर, एक जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कराची शहर वालों, मैं आप सबको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, स्पेशली सलमान भाई का, जो उन्होंने एक ऐसा इवेंट पैदा यहां पे कराची वालों को। मुझे यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे ये कराची के जिंदा दिलानों को देख के बड़ी खुशी हुई है। मुबारकबाद हो आप सबको। आप अनाउंस करते हैं साथ में गाएं जी। बिल्कुल। तो जी चलते हैं अब कराची किंग्स का स्टेज जो है वो गवर्नर साहब के हवाले करते हैं, और मैं चाहूंगा आप इनका भरपूर साथ दें क्योंकि स्पेशली सरप्राइज आप लोगों के लिए है। सो स्टेज इज ओवर टू यू। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये सरप्राइज के साथ साथ एक एक इंसान इस स्टेडियम के अंदर वो चीज साथ दोहराए जो गवर्नर साहब दोहराएंगे। एब्सोल्युटली जी, एक एक शख्स। ऑल योर सर, ऑल योर। Over to you, Governor Saab. बहुत सारी तालियां चाहिए Governor Saab के लिए। Thank you.
तालियों में रुखसत करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ और होने जा रहा है सर। ये साहब के लिए, गवर्नर साहब के लिए एक और दफा बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह इस तराने की जिस तरह आप लोगों ने साथ दिया, इसका इसकी गूंज पाकिस्तान के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने पे जाएगी और ये बताएगी कि कराची भी जिंदा है, पाकिस्तान भी जिंदा है और कराची का जो हक है, जो इसकी रोशनियाँ हैं, वो अपनी जगह जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। तो क्या ख्याल है, माहौल को और गर्माया जाए? कराची वाले कुछ और देखने के लिए तैयार हैं? ARY नेटवर्क के बहुत अच्छे दोस्त, आपके जाने माने पॉप आइकॉन, कराची किंग को सपोर्ट करने वाले द वन एंड ओनली फाखर। हेलो, अरे बेटा रुक जाओ। ग्रीन ग्रीन फाखर, क्या आप तैयार हैं? फाखर, 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 फाखर। कराची, असली पाकिस्तान देखना है तो कराची आओ। रौनक वाला पाकिस्तान देखना है तो कराची आओ। सबसे ज्यादा जोशीले नौजवान देखने हैं तो कराची आओ। और सबसे ज्यादा आवाज भी कराची की है और ये अब हम सुनेंगे। यहां पे कितने लड़के बैठे हैं, यहां पे कितनी लड़कियां बैठी हैं? लड़कियां स्क्रीम करो। कराची सबसे ज्यादा ऊंची आवाज रखता है और ये आवाज अब हम सुनने जा रहे हैं। पाकिस्तान, ये आवाज हैदराबाद तक जानी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, लव यू पाकिस्तान, लव यू कराची। ओके इश्ती, अब आप लोग मेरे साथ गाओगे नौजवानों का गाना, पाकिस्तान का गाना। हाथ ऊपर, एक दो तीन, हाथ ऊपर। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन।
आंख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जा वतन बरबार दे, होगा हमको हम नहीं, रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहे गाएंगे अजवा अजवा और बाकी का मुश्किल वाला काम मैं करूंगा। आई बी रेडी। मेरी राइट में जो दोस्त बैठे हैं से मेरे
थैंक यू ओके श्री कम ऑन ऑलराइट काफी देर से मैं अकेला हूं तो मैंने सोचा कि अकेला मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं जिन्हें यहां बुलाने जा रहा हूं बहुत ही कमाल के आदमी हैं, बहुत ही मासूम आदमी हैं और मासूमियत में बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। अब आज देखते हैं कि उनके पास उनकी मासूमियत की टोकरी में क्या कुछ है। आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सीनियर रैंक के पर्सन हैं, बहुत ही कमाल के मेरे दोस्त हैं। प्लीज वेलकम वसीम बादामी। वेलकम बादामी साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बादामी साहब पीछे गिटार वाले खड़े हुए हैं, क्या आप भी कुछ गुनगुनाना पसंद करेंगे क्या? देखिए मैं गुनगुनाना शुरू करूंगा तो फिर मैं खत्म अपनी मर्जी से करूंगा। सर ये आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो ले वरना छोड़ दें। नहीं ये रिस्क हम अभी ले चुके हैं, आप उसके बारे में टेंशन ना ले। अच्छा वसीम, PSL सबसे बड़ा इवेंट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, उसके बाद फिर सलमान भाई का कराची किंग्स को ओन करना, कराची वालों को ओन करना, और कराची ने भी क्या हाथों हाथ उन्हें जो है ओन किया है। क्या खूबसूरत की आज ये शाम है। क्या कहना चाहोगे कराची वालों से, सलमान भाई से, ऑल दीज पीपल जो कि आज यहाँ पर मौजूद है? मासूमाना कोई सवाल फेंक दो अगर फेंकना चाहते हैं। मासूमाना सवाल तो करते रहते हैं, मासूमाना गुजारिश एक आज कराची वालों से करना चाहता हूँ। दुनिया में जहान है, जहान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अपनी जान है, जान है तो दिल है, और अपना दिल है इस वक्त कराची में, चूंकि कराची किंग्स हैं दिलों के बादशाह। तो एक दफा अगर सब मिलकर कह दें कराची जीतेगा, कराची जीतेगा। ये थी। आगे बढ़ते जी, वसीम साहब आप यहाँ पर आए हैं, जाहिर सी बात एक मकसद है इस चीज का, क्या करना चाहिए, क्या मकसद, क्या आपका, क्या चाहते हैं आप? मैं बहुत अजीम मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंदर की बात बताओ। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि उस शख्सियत को यहाँ पर दावा दूं जो कि ये वजह बने आज कराची को एक ऐसा लग रहा है एक रीबर्थ हो गई है कराची में इस तरह के जबरदस्त इवेंट्स की। कराची अपने हालिया तारीख का सबसे बड़ा इवेंट देख रहा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीग, बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की सबसे बड़ी टीम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम एक बार फिर आबाद हुआ है जिस शख्सियत की वजह से, ARY डिजिटल नेटवर्क के फाउंडर और CEO, द वन एंड द ओनली सलमान इकबाल साहब, एक बार फिर बहुत सारी तालियां। सलमान भाई आप जहां भी हैं, इट्स अ लाइव शो, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी एक बच्चा भी खो गया था हमने जिसकी अनाउंसमेंट करवाई, वो बच्चा जिसका था वो ले गया यहाँ से, नहीं ले गया। सलमान भाई से कहें आ जाए वरना मैं गाना शुरू कर दूंगा। सलमान भाई प्लीज जल्दी आ जाए वरना वसीम फिर गाना शुरू कर देगा, जो पता नहीं कराची से बर्दाश्त हो गए। थैंक यू सलमान भाई फॉर सेविंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर और लेट करते तो मैंने गाना शुरू कर देना। मुझे अब अपनी टीम के ऊपर बहुत एहसास हो रहा है क्योंकि जब मैं अंदर घुसा अपना ड्रेसिंग रूम में तो मुझे फवाद आलम ने और इमाद ने कहा कि बॉस आप हमें कितना भगाएंगे। ना क्या हुआ, कहते हम कल लाहौर से कैब में भाग भाग के यहाँ तक आए हैं, तो लड़के बहुत थक गए होंगे, बट सीधी बात है कि हमारी टीम के ये, हमारे मुल्क के ये सुपरस्टार्स हैं, इनका काम ही भागना है। बिल्कुल हमें भी भगा रहे हैं आप। अब ARY में बहुत भगाया वैसे। मैं अब जी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त को बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर, जो कराची की रौनक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, और पाकिस्तान के उस कराची के इस वक्त नामजद मेयर वसीम अख्तर। बहुत सारी तालियां में वसीम भाई को प्लीज आप लोग स्टेज पे बुलाएं।
तालियां बजती रहें जब तक ये आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। आपको खुशामदेद कहते हैं और आपको तो लोग खुशामदेद कह रहे थे। मुझे आज अंदाजा हुआ है आपकी तो बड़ी गेम है, आप यहाँ पर आए और सारा क्राउड एकदम, बड़ी बात है भाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश कराची, शाबाश कराची। हमें कराची के बासियों से यही उम्मीद थी। हालात जैसे भी हों, कराची हमेशा खड़ा रहता है। सबसे पहले मैं सलमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी एयरवाई टीम को कि जिन्होंने इस इवेंट का एहतमाम किया और हालात को देखते हुए कराची में फिर से एक नई जान डाली। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस शहर में इंशाल्लाह हम सब लोग इंटरनेशनल क्रिकेट देखेंगे, इंशाल्लाह। और पूरा पाकिस्तान देखेगा, पाकिस्तान देखो कराची, ये है कराची। इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलके कराची का अमन, कराची की तरक्की और सबसे बढ़कर अल्ताफ भाई की तमन्ना और ख्वाहिश अल्ताफ भाई यही चाहते हैं, कराची में अमन हो, कराची खुशहाल हो, कराची में तरक्की हो, यहां सुकून से लोग जिंदगी गुजारें। इंशाल्लाह आप मेरा साथ दोगे, आप कराची को ग्रीन करने के लिए, साफ करने के लिए मेरा साथ देंगे। हम मिलके कराची को ठीक करेंगे, इंशाल्लाह। साफ करेंगे, इंशाल्लाह। तरक्की देंगे कराची को, इंशाल्लाह। आप मेरे साथ मिलके हकूक हासिल करोगे, इख्तियारात लोगे। और आप मेरे साथ मिलकर इस वक्त 11 दार कर रही हैं, मैं क्योंकि मेरे प्रोग्राम का भी टाइम होने वाला है और माहौल वैसा, फिर वही काम शुरू कर दिया इन्होंने। मैं जहां ट्रैक से इधर उधर होता हूं तो रोक दिया जाता हूं। ये वसीम का पुराना काम है। खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, और ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह मजीद होंगे। हम मिलके करेंगे, हम मिलके यहाँ एकेडमीज फॉर्म करेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे और कराची वालों को असल कराची लौटाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां वसीम अख्तर साहब के लिए, बहुत नवाजिश सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, बहुत सारी तालियां। और वसीम बादामी साहब के हाथ में दो दो माइक है इस वक्त, बहुत बोलना चाहते हैं आप, लेकिन अब हम दोनों को ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि हम एक बार फिर मस्ती और मजाक की तरफ चलेंगे और कमाल की परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। बहुत सारी तालियों में अपनी प्यारी फनकारा को यहाँ पर बुलाएंगे, शाजिया खुश। We'll be right back.
अस्सलाम वालेकुम कराची। बहुत खूबसूरत ऑडियंस है। मैं ARY के सलमान इकबाल साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और कराची किंग्स हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान। और मैं बहुत, मुझे खुशी हुई जब गवर्नर साहब ने गिटार प्ले किया। कौन कहता है कि आर्टिस्ट जो है वो गवर्नर नहीं बन सकता। बहुत सारी तालियां गवर्नर साहब के लिए। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग धमाल डाल रहे थे और आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लाल सिंह की धमाल पेश करती हूँ। हजरत लाल शहबाज कलंदर के लिए किसी शायर ने कहा है, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। टूटे सितारा अगर गिर जाए जमीन पर, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता।
सबका गाना, कराची किंग्स का गाना, ARY का गाना, कौन सा गाना? दाना पगाना। सबके हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4 Shit.
अस्सलाम वालेकुम कराची, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त। फहद मुस्तफा साहब किसी अलग मिजाज में नजर आ रहे हैं, क्या हुआ भाई? भाई बात यह है, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग जे, लीग की सबसे बड़ी टीम जे, लीग की सबसे महंगी टीम जे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जे, शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम जे, नेशनल स्टेडियम कराची, और यहां पर मौजूद है कराची का सबसे बड़ा स्टार फहद मुस्तफा, पाकिस्तान का सबसे मासूम आदमी वसीम बादामी। देखिए क्राउड ने गवाही दी है। अच्छा जी, स्टार में दिए रिएक्शन लेट है थोड़ा सा, रेफरेंडम करवा लें इसे। अच्छा भाई एक मिनट, मुकाबला कर लेते हैं। हाँ, जिनको लगता है कि मेरे लिए ज्यादा तालियां बजनी चाहिए वो तालियां बजाएं। बादामी थोड़ा अब बुलाते हैं अपने अगले मेहमान। नहीं मैं भी खेलूंगा, खेलने में क्या हार जाए, खेलने में क्या। जिनको लगता है बादामी के लिए ज्यादा तालियां बजनी चाहिए, बादामी के लिए तालियां बजाएं। बराबर है तो मेरे लिए मेरी ज्यादा थी, 2% ज्यादा बजी है मेरे, ज्यादा थी। हालांकि मेरा अनाउंसमेंट आपने किया है, धांधली हुई है ये मेरे खिलाफ कि मेरा अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। तो जिनको लगता है कि मेरे लिए तालियां ज्यादा बननी चाहिए वो बताएं। एक मिनट, अभी फर्क बस हो गया, आप तो मैं फर्क इलेक्शन जीत चुका हूँ। बेसिकली जिनके लिए तालियां बजनी चाहिए हमारे रियल हीरोज कराची किंग्स के प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, उनको यहां पर बुलाने जा रहा हूं और उनके साथ बातचीत करेंगे। प्लीज वेलकम फवाद आलम, मोहम्मद आमिर, शोएब मलिक और शाज़िर सुहेल खान। शाज़िर नहीं आया, शाज़िर कहां है? शाज़िर फंस गया हुआ ट्रैफिक में, बहुत ट्रैफिक हुआ। आइए जी, अस्सलाम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में कराची किंग्स के कप्तान शोएब मलिक, बहुत सारी तालियां, और सुहेल तनवीर के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए। अच्छा जी, कंपटीशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपटीशन है। शोएब आपकी टीम है, हेलो, आपके पक्के हाड़ी कौन से हैं? सबसे पक्के जो आपको लगते हैं वो अपना ही नाम ले लेंगे सबसे पहले। हम सारे हैं, सारे पक्के, सारे गुड, दैट्स द स्पिरिट। यही तो हमें इनसे सबक सीखना चाहिए, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये सब एक हैं। हाँ दो भैया। अच्छा जी, पहला ओवर किससे कराएंगे आपसे? जो मुझसे छक्का खाएगा। भाई ये कौन होगा जो कुर्बानी देगा कप्तान के लिए? कोई तो होगा ऐसा, सोहेल खान, ये चीज जबरदस्त। अच्छा जी, जो सबसे बड़े बड़े छक्के आज मारेगा वो जो है हमारा कप्तान तो है ऑलरेडी, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा डेमो आप हमें दें। आप, फवाद, सुहेल, सुहेल भी छक्के मारते हैं बहुत कमाल, लेकिन आज देखना ये कि सुहेल और आमिर कैसी बॉलिंग कराते हैं। स्टेज पे हम थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करेंगे। और फवाद भाई, इसके पीछे एक और सोच भी है, वो क्या? कि इंशाल्लाह हम इस दुआ के साथ यहाँ पर एक डेमो करेंगे कि बहुत जल्द ये वाली पिच नहीं बल्कि ये वाली पिच आबाद होगी इंशाल्लाह, और ये वाला मैच नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैच होगा इन्हीं पिचेस पर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आज का ये डेमो कराची में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का पहला ओवर और पहली बॉल होगी। सब मिलकर कहते हैं इंशाल्लाह, जिंदाबाद, जबरदस्त। जय जी शोएब, ये लीजिए सर। ओ बल्ला, हम तैयार है, वार्म अप हो जाएं। सुहेल भाई तैयार है, सुहेल खान भी तैयार है। अब देखते हैं जी, अब ये बॉल जो है शोएब आपने वहां तक पहुंचानी ऑडियंस तक, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा दूर, नहीं नहीं, हाँ बैट्समैन यहाँ होगा, बॉलर यहाँ होगा, बैट्समैन यहाँ, शोएब मलिक साहब यहाँ, चले जी बॉलर आमिर यहाँ होंगे। चले जी शुरुआत करें, मैं करूँ, कौन करे? चलो यार पहला छक्का मैं ही खा लेता हूँ यार आपसे, यार ताकि टेंशन ही ना रहे। लाओ भाई एक एक बॉल उठा लेते हैं। चले जी इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ, जिस तरह मैंने कहा ये पहला ओवर, ये पहली बॉल इस पिच पर, इस पिच पर नहीं, कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की पहली बॉल होगी इंशाल्लाह। मोहम्मद आमिर, तालियां होनी चाहिए मोहम्मद आमिर शोएब के लिए, बहुत सारी तालियां, क्रिकेट की वापसी कराची में। ये लोग सोच ही रहे आपस में, मोहम्मद आमिर आए, ये जी सर, सुहेल तनवीर, ये जी, वाह, रौनकें बहाल हो रही है नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट की। फवाद आलम, ओह क्या बात है फवाद, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी जी सुहेल भाई, ओए होए,
चले भाई बढ़ जाए, अब बढ़ जाए, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, मेरी बारी इस टीम का हिस्सा हूँ, मेरी बारी। एक मिनट बता भाई, रुक जाओ। हाँ भाई, आए हाय, मेरी बारी। अच्छा नहीं, सुहेल, सुहेल, सुहेल खान साहब, शोएब मलिक को, ओए होए, जबरदस्त, फुल टॉस, ओए बाउंसर। यार तुम लोग पहले इंजर्ड करने के मूड में, सुहेल तुम तो फिर बारी देने वाले थे। मोहम्मद आमिर, वाह जबरदस्त, क्या बात है जी, वेल प्लेड। एक आखिरी बॉल और मैं चाहूंगा बदामी ये बॉल मेरे पास है, आखिरी बॉल फवाद भाई, फिर मैं चले फवाद। ओए होए, चले जी, शिव भाई नर्वस तो नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा चले जी, ओए होए बदामी, सबसे लंबा, सबसे लंबा खाया आपने, मासूमाना छक्का खाया आपने। वैसे चांस दिया, चांस दिया। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारी टीम के लिए, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं जनाब, और कराची की शान को बुलाते हैं यहां पर, क्या कमाल के लाइव परफॉर्मर हैं, सालों से एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत सारी तालियों में सलीम जावेद। चले वार्म अप तो हो गया। अच्छा हेलो, हाँ जी कराची, आवाज ही नहीं आई कराची के नाम पे, कराची, यस, कराची के लड़के आपके सामने थे और आवाज आना चाहिए। फवाद कह रहे हैं कि आप भी कराची के हो, यस मैं भी कराची वाला हूं और हम सब कराची वाले हैं, यस।
जुगनी की आवाज तो आ रही है मगर बहुत कम आ रही है, क्या होना चाहिए? ठीक है, और जुगनी पे हमेशा जो एक आवाज आप लोग लगाते हैं वो आज भी आना चाहिए और ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि कराची की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, आज उसका जश्न है ये, और कराची की टीम इंशाल्लाह ताला जीतेगी, और कराची की खुशियों के लिए ये आवाज लगानी चाहिए आपको। जब भी मैं कहूं तेरी में गवां जुगनी तो आपने लगानी है आवाज, होए आर यू रेडी? वन मोर टाइम, हेलो कराची, आर यू रेडी?
अपनी टीम के लिए आवाज लगानी है। तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, हमने अपनी टीम के लिए गाना है, कराची के लिए हो लगाना ये, तेरी मैं गावा जुगनी। कितनी मोहब्बत करते हैं कराची की टीम से बताइए। जबरदस्त जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तवील अरसे बाद शहर की हालिया तारीख का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट किसी भी तर्ज का, अपनी नौयत का बेहतरीन इवेंट हो रहा है। कराची जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, कराची की रौनकें बहाल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कराची जाग रहा है। जबरदस्त, अब मैं आप लोगों के सामने दावत दे रहा हूं, एक जबरदस्त होस्ट, मेरे जबरदस्त दोस्त, मेरे अच्छे और बुरे और जितने भी अकसाम के वक्त हैं उस सब के साथी, और पाकिस्तान का एक मशहूर मारूफ नाम, इनकी जो खुफिया हरकतें हैं वो तो सिर्फ मुझे मालूम है, लेकिन आप सब वो जानते हैं जो काम करते हैं ये सरेआम, आप लोगों की भरपूर तालियों में इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मेरी शराफत को दाद दीजिए, मैंने आपको जब भी बुलाया सिर्फ सरेआम का तारुफ कराया, हालांकि आपके बहुत सारे खुफिया काम मैं जानता हूं। वो फिर 11 धार यहां से भी शुरू हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मजा नहीं आया? नहीं, मजा नहीं आया। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद। आधी रात की तरफ बढ़ रहे हैं और माशाल्लाह शहर कराची जाग रहा है। मैं वसीम से कह रहा था कि हमने इस विकेट को, इस पिच को संभाल के रख दिया है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ वो वक्त अब आने वाला है, उस तारीख के लिखे जाने का आगाज आज की रात से हमने कर दिया है, जब इसी विकेट से, इसी मैदान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी, और इसी मैदान पर अकवामे आलम में पाकिस्तान का परचम सबसे सरबुलंद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब अली इकरार हसन साहब, इस वक्त हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर दावत देनी है जिनसे कराची का बच्चा बच्चा, जब से मैं बच्चा था, यानी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है वैसे, लेकिन तब से मैं इनका बहुत बड़ा, जब से मैं गंदा बच्चा था, चले अब अच्छा हो गया हूँ मैं इनके, और हमारे साथ आप सब लोग, जब वो बोलते हैं हम सब उन्हें सुनते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं हम सब खिलखिला के हंसते हैं। कराची की जान, पाकिस्तान की जान, एक ऐसा नाम कि जिसको बुलाना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। और कराची बताएगा कि उनकी कई दिहाइयों पर फैली हुई खिदमात, वो मुस्कुराहटें जो उन्होंने आप में बखेरी, पाकिस्तान को हंसाया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो आपका इस्तकबाल बताएगा कि आपके दिल में उनकी कितनी इज्जत है, उनका कितना एहतराम है। अब उनकी उम्र कितनी है इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान में शरीफों का वैसे ही बहुत ज्यादा चर्चा है, इसलिए आप लोगों की भरपूर तालियों में
आपका सांस देखने में आप इतने सारे हैं और मैं अकेला हूँ। एक उमर शरीफ सब पे भारी है, अब तक तो सब पे भारी है। अच्छा आपका तो किसी और के लिए कहा जाता है सब पे भारी। इसको मैंने सियासी जलसा नहीं बनाना। 11 बज रहे हैं इसलिए मेरी सियासी जो रग है ना वो भड़क रही है। 11 बजे तो हम जिंदा होते हैं कराची वाले। ऐसा ही है, कराची जागता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जाएगा और आपका शोर पड़ता जाएगा जैसे जैसे हाथ यहां तक आएगा। फॉलो कीजिएगा 1 2 3 स्टार्ट। पाकिस्तान में पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में मैं पैदा हुआ, कराची जो उदास था, जो खौफजदा था, जो डरा हुआ था, सहम गया था, उसके खौफ को, उस दुख को, दर्द को आज ARY के इस इवेंट ने मुस्कुराहट में, खुशियों में बदल दिया है। और ARY के सलमान भाई के लिए ऐसी ताली होनी चाहिए कि पता चले कि आज किसी को कराची अप्रिशिएट कर रहा है। आज हम लोगों ने एक काम करना है, जश्न है। मैं गवर्नर सिंह को मुबारकबाद पेश करता हूं इस इवेंट में, इसमें इतना उनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने पहली दफा देखा कि किसी इवेंट में कराची की वजह से उन्होंने आके गाना भी गाया, तराना भी बजाया और फिर खुद यहां तशरीफ फरमा दी। इसके बाद जो मुंतखब मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उनका यहाँ मौजूद होना, उनका आना और फिर सलमान साहब का सारे मेहमानों के लिए बारह DG रेंजर, उनको मैं ख़ास तौर पर सल्यूट करता हूँ। रेंजर, पुलिस और तमाम एजेंसीज को मैं सल्यूट करता हूँ। ये मेरा सल्यूट है कराची की तरफ से आप अमन को और पुलिस, एडिशनल IG DIG, वजीरे दाखला यहाँ तशरीफ लाए थे, लाए हुए मेरे ख्याल, वो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारी जमात के रहनुमा हैं, फारूक सत्तार साहब यहाँ बैठे हैं, फारूक सत्तार साहौडा साहब बैठे हैं, सारी पूरी पूरी कराची की तमाम जात जमात। मैं आहिस्ता उसी तरफ आ रहा था, आहिस्ता मैंने, लेकिन एक तरफ और आना अमर भाई, ये वो लोग हैं जिनसे पैसे पकड़े हुए हैं। किससे? इन नहीं, मतलब वो जो सहाफी वो वाले पैसे नहीं, किससे? स्पॉन्सर को डालते बीच में डालना, मुझे जरा मेरा छापा तो बनता है ना। नहीं, वाले पैसे नहीं बनता है, छापा बनता है इसका, पैसे पकड़े हो तो छापा तो बनता है। पैसे स्पॉन्सर वाले, अगर तुम अपनी जेब में भी पैसे पकड़ोगे ना, ये छापा मार भाई, इसका काम है पैसे ना पकड़ोगे। खातिन हजरात, अब चलते हैं हम, मुबारकबादें भी सबको दे दी, अमन की दुआएं भी दे दी सब कुछ, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता हम आते हैं इस इवेंट पे और कराची की तरफ। बिल्कुल, तो जैसे जैसे मैं कहूँ, मेरा ये मान है कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, अब पता नहीं गलत है या सही है, अल्लाह जाने। अगर ये सही है तो फिर मेरा साथ दीजिएगा और मैं आपको टाइम भी दूंगा उस आवाज़ के लिए। और आपने बोलना है कराची, क्या बोलना है आपने? कराची, जोर से बोलिए कराची, 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 जरा जोर से बोलो कराची, दिल से बोलो कराची, दिमाग से बोलो कराची, में बोलो कराची, 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 जरा प्यार से बोलो कराची।
मेरी जान मेरा दिल कराची, जरा प्यार से बोलो कराची, प्यार से जरा सांसों में बोलो कराची, जरा हाथों से बोलो कराची, हाथों से बोलो कराची, हाथों से बोलो कराची, हाथों से बोलो कराची, तो से बोलो कराची। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का एक अहम तरीन कदम, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह कराची की रौनक बहाल, वैसे ही पाकिस्तान में क्रिकेट फाल इंशाल्लाह। हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, एक एक बंदा एक एक फर्द जो यहाँ पर तशरीफ लाया है, जितनी भी सियासी जमातों के रहनुमा, खास तौर पर आप लोग जिनकी वजह से ये रौनक रही यहाँ पे। और इंशाल्लाह आज की रात जब खत्म होगी, जब से कुछ देर बाद तारीख बदलेगी, तो इंशाल्लाह इस तारीख को याद रखा जाएगा कि इसने कराची की तारीख बदल दी, इसने पाकिस्तान में क्रिकेटिंग हिस्ट्री की तारीख बदल दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हमारे टीवी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बहुत नवाजिश, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे स्पॉन्सर्स ग्राउंड मोटर्स, समिट बैंक, अकार्डियन, हबीब ऑयल, तरंग इलायची, पेप्सी, नेशनल फूड्स, जीरा प्लस, ब्रिज पावर, सुनहरी बैंक, सोबो और फिनिक्स बैटरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर एक दफा हमारे इन तमाम स्पॉन्सर्स के लिए भी भरपूर तालियां हो जाए अगर एक दफा, तो बहुत नवाजिश होगी आप लोगों। अभी है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार बाकी है, लेकिन उससे पहले सिर्फ शुक्रिया नहीं, आपको सलाम है हर उस माँ को, हर उस बहन को, हर उस बच्चे को, हर उस बुजुर्ग को, हर उस खुसूसी फर्द को जो अपनी व्हील चेयर पर आज के इस इवेंट में, कराची के इस खुशी में, कराची की रौनकों की वापसी में शिरकत के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में पहुंचा। उन हजारों लोगों का भी शुक्रिया, उन्हें भी सलाम जो बावजूद इतने रश की वजह से स्टेडियम के अंदर दाखिल नहीं हो सके। आप सबको सलाम कि आपने खौफ के और तारीख के बुक को आज पाश पाश कर दिया है। आप सबके जज्बे को सलाम, आप सबके जुनून को सलाम, आप सबकी जस्तजू को सलाम, आप सबकी हिम्मत को सलाम। क्या ख्याल है, लेकिन उससे पहले आपने अपने लिए भरपूर तालियां बजानी है। आज की शाम का सबसे ज्यादा शोर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए, तो फिर एक नारे के साथ। और वो नारा कौन सा होना चाहिए? हम जिस सिंगर को बुला रहे हैं उसी ने ये सॉन्ग गाया है कराची जीतेगा, तो हमने बाकी सिंगर को तालियों में बुलाया है। अगर इस सिंगर को कराची जीतेगा गा के नारों से बुला लिया जाए तो बिल्कुल ठीक है, तो रिदम बनाने की कोशिश करते हैं। चले जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपने उस रिदम को पकड़ना है। जब भरपूर आवाज आना शुरू हो जाएगी तो जनाब अली असमत स्टेज पर आएंगे, है जज्बा जुनून गाने, लेकिन उस वक्त कि जब कराची जीतेगा की आवाज से स्टेडियम गूंज रहा होगा, तो हियर वी गो, 1 2 3 सब मिलकर, कराची जीतेगा, 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 कराची, कराची, कराची जीतेगा, कराची जीतेगा, कराची जीतेगा, कराची हारेगा, कराची हारेगा। Oh,
अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही इतना तो है हमको यकीन हो जज्बा जुनू तो हिम्मत हारू जो करे वो छुए पाकिस्तान जिंदाबाद।